वेलकम टू माई चैनल प्रियाज यमी फूड। आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल तड़का और वेज पुलाव। सो हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम वेज पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि वेज पुलाव बनाने के लिए मैंने इतनी सारी सब्जियों को कट करके रखा है और राइस को भी पहले से प्रिपेयर करके रखा है। तो मैंने प्याज लिया है, गाजर लिया है, न्यूट्रेला लिया है, पनीर लिया है, बीन्स लिया है और ये हरी मिर्च और ये कुछ खड़े गरम मसाले हैं, देख सकते हैं, जीरा, इसमें मैंने बिरयानी मसाला और धनिया और थोड़े से गरम मसाला, ये काजू लिए। अब इन सभी को हम कुक करते हैं। ऑयल गरम हो गया है, उसमें इसमें जीरा डालूंगी, फिर ये सारे खड़े गरम मसाले डालूंगी और काजू डालूंगी। इन सबों को पहले अच्छे से भून लूंगी। मैं इसमें प्याज डाल दूंगी, मैं बीन्स भी डाल दूंगी, गाजर डाल दूंगी, मसाला डाल दूंगी और ये हरी मिर्च भी डाल दूंगी। इन सबको अच्छे से मिक्स कर दूंगी और थोड़ी देर फ्राई कर दूंगी। नमक डाल के इसको भी और भूनना है, हमारी सारी सब्जियां थोड़ी अच्छे से फ्राई हो जाए। थोड़ी देर ढक दूंगी। थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी, तो अच्छे से मिक्स करूंगी। थोड़ा सा इसको भून लूंगी, इसका कच्चापन खत्म हो जाए, फिर मैं सूखे मसाले भी डालूंगी। अब मैं इसमें सारे मसाले डालूंगी जो मैं ये ली हूँ, ये सारे मसाले मैं इसमें डालूंगी। इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। मैं इसमें पनीर डाल दूंगी, पनीर को मैं पहले से फ्राई करके रखूंगी। अब मैं इसमें पनीर डालूंगी, सॉरी मटर, अच्छे से मिक्स करके। अभी हमारा फ्राई हो गया है अच्छे से, तो अब मैं इसमें राइस डालूंगी। अब राइस डालूंगी, इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। आप देख सकते हो हमारा ये रेडी हो गया है। अब मैं इसमें धनिया की पत्ती डाल के इसको कवर कर देंगे। अब हम दाल तड़का बनाएंगे। तो हम दाल तड़का बनाने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं दाल तड़का के लिए मैंने प्याज लिया है, खड़े गरम मसाले, अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा खड़े लहसुन, धनिया पत्ती, कसूरी मेथी, हरी मिर्च
और थोड़ी सी हल्दी, थोड़े गरम मसाले, थोड़े से धनिया के पाउडर। अब हम दाल फ्राई करना शुरू करेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया, मैं इसमें थोड़े से घी डालूंगी। घी गर्म हो ही गए, मैं इसमें सारे खड़े मसाले, अब मैं इसमें डालूंगी सारे खड़े गर्म मसाले, हरी मिर्च, हरी लहसुन, थोड़ी सी प्याज। इन सबों को अच्छे से भूनूंगी। इसमें थोड़े से हींग डालूंगी, कसूरी मेथी डालूंगी, और सारे खड़े पाउडर मसाले और अदरक लहसुन का पेस्ट भी। इसमें नमक डालूंगी। हमारा ये मसाला बनके रेडी है। अब मैं डालूंगी इसमें दाल। दाल मैं पहले से रेडी करके रखी थी, अब मैं इसमें डालूंगी दाल। देख सकते हो फ्रेंड, मेरा भेज पुलाव दाल तड़का रेडी है। अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।